हरि ओम फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए इस तरह की सेंटा कैप बनाएंगे और इस तरह का सेंटा बैग बनाएंगे फ्रेंड। तो लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं इस तरह की सेंटा जैकेट और इस तरह की सेंटा पैंट बनाना बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की सेंटा जैकेट और पैंट बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इनका लिंक दे दूंगी। तो फ्रेंड्स चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे हरी ओम निटिंग चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे हरी ओम निटिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन को प्रेस कीजिएगा और फिर ब्लू बेल का आइकन बटन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका बैग बनाऊंगी। तो बैग बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 18 चैन ले ली हैं। तो 18 चैन लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें चैन को सीधा रखना है और फर्स्ट वाली चैन में जाके इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमने देखिए दो चैन ली, तीन चैन लेंगे फ्रेंड्स, तीन चैन ली और ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया एक। और इसी तरह से अब मैं एवरी चैन में इस तरह से, देखिए, डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी वूल पतली हो तो आप दो चैन कम भी ले सकते हैं, अगर आपकी वूल सॉरी मोटी हो तो कम ले सकते हैं और पतली हो तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं ये अपना डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये सर्कल को कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आके हम अपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की फर्स्ट चैन में जाकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट सर्कल को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट चैन, ये डबल क्रोशिया बन गया हमारा और सभी चैनों में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से ये वाला सर्कल भी कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं इसके ऊपर दो सर्कल को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दो रो को कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये देखिए हमारा ये थर्ड रो है, इसको भी मैं ऐसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैग कुछ इस तरह से बन गया है। तो अब हम इसको बैग से इस तरह से स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, पूरी हम ये वाली रो में यहाँ तक इस तरह से इसको स्लिप स्टिच करते हुए बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से इसको कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से देखिए फ्रेंड्स सीधा कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा बैग इस तरह से हो गया है। अब हम यहाँ पर पफ बनाएंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं वाइट कलर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर इसका पफ बनाऊंगी वाइट कलर का। तो फ्रेंड्स, इसके वाइट कलर के लिए हमें छोटे छोटे पफ बनाने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने पफ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अपने दूसरे कलर को ऐड करेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने इस कलर को इस ऐड कर लिया है। अब इस धागे को हम इस तरह से रख लेंगे और ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम पफ बनाना। ये देखिए, धागा मैंने थोड़ा सा बड़ा किया और ये देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे। तो इसको हमने पफ को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, जिस तरह से हमने अपनी जैकेट में और पैंट में बनाए हैं छोटे छोटे पफ, इसी तरह से बनाते जाएंगे दो दो को गैप में। देखिए, दो चावल को छोड़ के अब हम अपना एक एक पफ बना देंगे। तो इस तरह से मैं ये पफ को बनाती जाऊंगी। तो देखिए, मैं इस तरह से यहाँ तक बना लूँगी। अब ये देखिए, यहाँ तक बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपनी पूरे राउंड में इस तरह से पफ बना लिए हैं। फ्रेंड्स, पफ में आप यहाँ पे एक चैन जरूर बनाते जाएं। तो इस तरह से चैन बनाकर, ये देखिए मैंने यहाँ लास्ट पफ भी बना लिया है। अब हम इसमें
ये देखिए इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे, और ये देखिए यहाँ से मैं चैन बनाना शुरू करूँगी। ये देखिए इसको अभी हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, पहले ये वाले पफ को भी, और ये देखिए इस तरह से इसको कनेक्ट करके अब हम इसमें चैन बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स जितनी बड़ी आप पट्टी रखना चाहते हैं उस तरह से मैं ये चैन बनाकर इसके इधर यहाँ पे इसको जोड़ दूँगी। मैं चैन बनाती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से चैन बनाकर मैंने यहाँ पर दूसरी इस तरफ को, ये देखिए रेड वाले यहाँ से यहाँ पर इसको यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फ्रेंड्स एक बार और कर देंगे इसको हम, और एक बार यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच करके अपने धागे को कट कर लेंगे यहाँ से फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये बैग बन के रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपनी इस तरह की कैप बनाना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए कैप शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कैप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चार चैन ले ली हैं, और देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली चैन में जाके इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब ये बीच में हमारा ये छोटा सा सर्कल बन गया है। अब हम इसमें ये देखिए ये दो मैंने चैन डाली, अभी इसी सर्कल में ये देखिए इस तरह से ये दो और ये तीन और ये चार, सिर्फ हम यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए और इसको मैं यहाँ से देखिए ऊपर से इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम दो तीन बार इसी तरह से ही चार के ऊपर ही बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक मैंने चैन बना ली है, और ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से पकड़ लेंगे हम इसको। और ये देखिए एवरी ये चैन में मैं इस तरह से ये राउंड को फिर कंप्लीट करूँगी एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं अपनी तीन रो को इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। अब हम ये दो रो को कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैंने चार डबल क्रोशिया बना लिए हैं, और अब मैं ये देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ से स्लिप स्टिच कर लूँगी। ये देखिए यहाँ से ये रहा हमारा ये वाली जो चैन है हम इसके साथ इस तरह से इसको कनेक्ट कर लूँगी फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं एक राउंड को और कंप्लीट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं तीन राउंड तक बना चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम फोर्थ राउंड में ये देखिए दो चैन बनाएंगे तीन इस तरह से। और फ्रेंड्स ये देखिए अगर आपको चैन का नहीं पता चलता तो फ्रेंड्स आप इसके ये देखिए चैन के साथ वाले यहाँ पर ये देखिए होल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम ये देखिए दो बार बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए एक होल में दो बार बनाया, फिर एक होल में ये देखिए यहाँ पे एक बार बनाएंगे, और ये एक होल में फिर हम यहाँ पे दो बार बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे मैंने छः बना लिए। ये देखिए ये एक दो तीन फ्रेंड्स ये देखिए चार और ये पांच, ये देखिए यहाँ से पांच। तो एक और बना लेंगे हम यहाँ पे इसी के साथ ही। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये देखिए इधर जाएंगे और ये यहाँ से बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से अब हम यहाँ पे ये देखिए हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके साथ इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब इस राउंड में हमारे ये सिक्स बन गए हैं। तो अब हम इस नेक्स्ट में फिर हम दो और बढ़ा लेंगे। ये देखिए एक ये बनाया हमने एक इसी के साथ ही यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो इसी तरह से अब ये नेक्स्ट के हम चैन भी नहीं जाएंगे। ये देखिए इस तरह के ये देखिए नीचे जो हमारा ये देखिए यहाँ पे नीचे है जो हमारे सर लूप बने हुए हैं उनमें बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब यहाँ पर भी हम दो डबल क्रोशियो को बढ़ा लेंगे।
एक बार और यहाँ पे बनाएंगे और एक बार यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसके यहाँ पर एक बार बना लेंगे। और तो फ्रेंड्स इस तरह से अब हम इसको बढ़ाते जाएंगे और जब तक हमारी कैप का राउंड नहीं आता तब तक इसी तरह से हम एक एक दो दो करके इसको बढ़ाकर थोड़ा सा खुला करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैंने दो बार बना लिया है। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए ये थोड़ा सा खुल गया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं एक और सर्कल बनाऊंगी इसमें, इसी तरह से चैन को बढ़ाते हुए। ये देखिए अब हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लिया है फ्रेंड्स। अब इधर देखिए फिर से यहाँ पे एक बढ़ाया हमने, फिर दो बढ़ाई, ये देखिए एक और बढ़ा लिया, फिर हम एक बनाएंगे फिर दो बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसमें हमें इसी तरह से राउंड राउंड में घुमाते जाना है और एक एक दो दो करके बढ़ाते जाना है। तो फ्रेंड्स जब हमारा ये सर्कल लगे कि हमारे कान्हा जी को ये कैप आ जाएगी तब तब हम इस तरह से इसको बढ़ाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह से एक सर्कल और बना के आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो राउंड मैंने इस तरह से बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी 8 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब हम इसको जल्दी बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए 3 की हमने चैन बनाई, इसी के साथ हमने एक और बढ़ा लिया, तो ये हमारे 2 हो गए। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए 3, और फिर यहाँ पे हम दोबारा 2 बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 बनाए हमने, फिर 1 बनाएंगे, फिर दोबारा 2 बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं चैन में ना जाके होल में बना रही हूँ, तो आप भी होल में जाके बना सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से। अब 1 बनाएंगे, तो 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही चैन में। ये देखिए इस तरह से ये हमारा लूप आ गया लास्ट वाला। अब हम इसमें भी 2 बार बना लेंगे और इसको अब हम यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब देखिए आप ये कुछ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स अभी भी हमारे ये कान्हा जी की कैप के लिए थोड़ा सा कम है। तो इसी तरह से मैं एक लूप एक डबल क्रोशिया में एक और दूसरे में 2 बनाते हुए इसको दोबारा बढ़ा लूँगी। ये देखिए इस तरह से, देखिए फर्स्ट मैंने इस तरह से डबल क्रोशिया में बना लिया 2 चैन का, और ये देखिए फ्रेंड्स इसके पास वाली जो लूप है वहाँ पे बनाया मैंने एक, और एक में यहाँ बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स एक लूप में 2 बार बनाएंगे और एक लूप में 1 बार बनाएंगे। तो इस तरह से मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इतना बनाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए इसको अब हम सीधा करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स पूरी हम पीछे से पूरी अपनी इसकी नोक को पूरा निकाल लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारी ये कैप सही लग रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारी कैप छोटी से कान्हा जी की है, तो इसलिए हम इसको इतना ही बनाएंगे। तो अब हम इसमें पफ बनाएंगे फ्रेंड्स। पफ बनाने का वही तरीका है, ये देखिए इसमें हम वाइट कलर मिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पफ बनाने का हमारा वही तरीका है। इस तरह से अब हम पूरे राउंड में इस तरह से पफ बनाते जाएंगे और एक चैन ज़रूर बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ से 1, 2 ये 3। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं अपनी पफ बनाती जाऊँगी और इसमें एक चैन ज़रूर डालिएगा। ये देखिए इस तरह से, तो मैं पूरे राउंड में अपने इस तरह के पफ बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी कैप बन गई है कुछ। तो फ्रेंड्स इसको अब हम यहाँ पे देखिए मैंने ये एक पम्पम बना रखा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पम्पम बनाना आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो आप, मैं आपको एक अपनी वीडियो का लिंक दे दूँगी, उसमें मैंने एक वीडियो में पम्पम विद कैप बना रखी है।
तो आप मेरे चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि मैंने वहाँ पे कैसे बनाया हुआ है ये पंपा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसको अब हम सुई धागे से इसके साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा पम्पम लग गया है। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इस पम्पम को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर सुई धागे से सिल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो तो फ्रेंड्स वैसे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर हम इसको इस तरह से सील भी देंगे तो भी ये बहुत अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।